नंबर 2.96। क्वेश्चन नंबर 79। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट रुपीज 5,000, मतलब 5,000 रुपए कम से कम मिलेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज रुपीज 40,000। आपने सी को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है वो है 5,000। अभी जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 40,000। 5:4:1 की इनकी रेशो है, 5:4:1 इनकी रेशो है। ए बी सी, तो सी का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट देखा जाए $40,000 × 1/10 वो आता है 4,000 और हमने इसको गारंटी दी हुई है 5,000। प्रॉफिट इसका भी निकल कर आता है 4,000, तो यहाँ पर शॉर्टेज कितनी आ रही है 1,000 की। द शॉर्टेज ऑफ रुपीज 1,000 विल बी बॉर्न बाय A and B equal। ये क्वेश्चन में लिखा है, यानी 1,000 रुपए की जो शॉर्टेज है वो A और B इक्वली बॉन्ड करेंगे, यानी बच्चों वो बॉन्ड करेंगे 1:1 में, यानी 1,000 × 1/2 500 बॉन्ड करेगा ए और 500 बॉन्ड करेगा बी। बच्चे जल्दी नोट करेंगे। अब आपको ये मैंने बताया था, हमें सी को अमाउंट पे करना है और ए और बी ने अमाउंट देना है। ए और बी अमाउंट देंगे और सी को अमाउंट पे करना है। बेटे 11th क्लास याद करो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वहां पर हमने आपको सिखाया था कि जब भी कभी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आता है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल, ये हमने सिखाया था। लॉस और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड आता है। तो बेटे जब कैपिटल इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है। तो अब आप ध्यान से देखो, ए और बी ने पैसा देना है बच्चों, ए और बी ने पैसा देना है और सी को रिसीव करना है। तो सी की तो कैपिटल इंक्रीज होगी, ए और बी की कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि वो 500 अपनी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे और सी को दे देंगे। यानी अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 500 ए देगा, 500 बी देगा और 1000 रुपीज सी को मिल जाए क्योंकि वो शॉर्टेज आ गई, उसको 1000 रुपये प्रॉफिट कम मिल रहा था, शॉर्टेज की हमने गारंटी दी थी 5000 की। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू सी, थ्रू ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। और एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू सी थ्रू ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, बेटे क्वेश्चन नंबर 80 एक बार रीड आउट करेंगे, पेज नंबर 2.96। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। सी इज गारंटेड अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। 1 लाख रुपए की गारंटी दी गई है सी को बेटे हर साल। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शेल बी मेट बाय बी, इंडिविजुअल गारंटी आ रही बेटे। अगर सी को कोई भी कम प्रॉफिट मिलेगा, कभी भी कम प्रॉफिट मिलेगा बेटे सी को, जो कि 1 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, तो उस डेफिशिएंसी को सिर्फ और सिर्फ बी पूरा करेगा बेटे। बी उसको अराइजिंग को डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, मेट करेगा बेटे। द प्रॉफिट फॉर द टू ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 वर रुपीज 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको यहाँ पे 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा बेटे, पहले 2020 के लिए देखना पड़ेगा, फिर 2021 के लिए देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो हम पहले 2020 की बात करते हैं। जब आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, एबीसी 3 पार्टनर है, 2:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020, आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया बेटे 1/5, ये रेशो दे रखी 2:2:1। बेटे इसको टोटल करना होता है 2 और 2 4 और 1 5, ए के लिए हो गया 2/5, बी के लिए हो गया 2/5, सी के लिए हो गया 1/5। 5 8 40, 80,000 आ गए। सर यहाँ तो शॉर्टेज आ रही है, 20,000 की। दिस फॉल्स शॉर्ट by rupees 20,000
क्योंकि हमने 1 लाख रुपए की गारंटी दी है कि हम आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा कर देंगे, लेकिन आपने उसको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस शॉर्टेज को कौन बियर करेगा, विच इज टू बी बॉर्न बाय बी। ₹20,000 से शॉर्टेज आई जिसको बी बॉर्न करेगा। अगर हम लोग ऐसा करें, जो इनकी रेशियो दी गई है बेटे 2:2:1, ये इनकी रेशियो गिवन है, ये इनकी रेशियो गिवन है, जो प्रॉफिट था 4 लाख रुपए का पूरे साल का, इस रेशियो में अगर हम डिवाइड करें एट्टी थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड, सी के यहां पर तो शॉर्टेज है इसलिए उसको प्लस करना पड़ेगा। और उस प्रॉफिट को, उस लॉस को कौन बियर कर रहा है, उस लॉस को बियर कर रहा है बी। बेटे यहाँ पे तो प्रॉफिट प्लस कर दो 20,000 का, इसको तो पूरा 1 लाख करो जो हमने इसको देना है, और बी के प्रॉफिट में से 20,000 माइनस कर दो क्योंकि उसने गारंटी दी थी। इसका प्रॉफिट रह गया 1,40,000, ए का प्रॉफिट रह गया 1,60,000। ये हमने किया है 2020 के लिए, बिल्कुल सेम ऐसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा 2021 के लिए। और बेटे अगर वो यहाँ पे आपसे जनरल एंट्री मांगे तो आप देखो, जिसके प्रॉफिट को कम किया जाता है इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, जिसके प्रॉफिट को प्लस किया जा रहा है इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो बेटे हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000। तो जिसका प्रॉफिट कम किया जाता है उसको डेबिट करेंगे और जिसका प्रॉफिट इंक्रीज किया जा रहा है उसको प्लस कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही करेंगे बेटे हम लोग एप्रोप्रिएशन 2021 के लिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021। 2021 में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 6 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है बेटे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1।
सिक्स लैख इंटू टू बाय फाइव यहां पे आ गया 1,20,000, यहां पे आ गया 2,40,000, यहां पे आ गया 2,40,000। सर हमने तो गारंटी दी थी 1,00,000 रुपए की, हमने तो सिर्फ 1,00,000 रुपीज की गारंटी दी है, और यहाँ पे तो सर जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो 1,20,000 रुपए का आ गया। हमने तो गारंटी दी थी 1,00,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट जो आया है वो 1,20,000 रुपए का आ गया। यानी आप तो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, आप तो प्रॉफिट दे रहे हैं 1,20,000, हमने तो गारंटी दी है 1,00,000 रुपए की। तो बेटे हमने गारंटी दी है 1,00,000 रुपए की, हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं 1,20,000, तो कोई भी शॉर्टेज है ही नहीं, तो कोई बियर ही नहीं करेगा। बी तो बेटा इसको बियर करेगा नहीं, उसको तो बल्कि ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाऊं, बाय नेट प्रॉफिट 6,00,000, एज कैपिटल अकाउंट 20, कैपिटल अकाउंट 30, कैपिटल अकाउंट दो लाख चालीस हजार, बेटा जल्दी नोट करें। पेज नंबर 2.98, क्वेश्चन नंबर 88। थ्री चार्टेड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, हम एबीसी मान लेते हैं, तीन चार्टेड अकाउंटेंट्स है बेटे, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, मैंने एबीसी लिख दिया। रेशो दी गई है 3:2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 3:1। बेटे ये कहा गया पॉइंट नंबर 1 में, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम। सी को कहा गया कि आपको हम लोग मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, और वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है ₹15,000 पर एनम। वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है ₹15,000 पर है। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म के उसके द्वारा कमाई गई फीस फर्म के लिए शेल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन।
कि जब वो पिछले 5 साल से अकेला प्रोफेशन कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो वो जो फीस कमाता था वो थी बेटे विच ऑन एन एवरेज वर्कआउट रुपीज 25,000, 25,000 रुपए। कहता है मैं जब अकेले काम कर रहा था तो मैं कम से कम 25,000 रुपए कमाता था, तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं कि मैं उतना तो आपकी पार्टनरशिप फर्म में कमाकर दूंगा ही। यानी बी ने फर्म को गारंटी दी, बी ने फर्म को गारंटी दी 25,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज रुपीज 75,000। प्रॉफिट हमने कमाए हैं 75,000 का। द ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज रुपीज 16,000। लेकिन जो बलजीत की ग्रॉस फी है वो 16,000 रुपए है। अरे सर, बलजीत ने तो कहा था 25,000 कमा के देगा, लेकिन बलजीत ने कमाए 16,000। पकड़ो बलजीत को, पकड़ो और बलजीत से कहो भाई जो शॉर्टेज है अपने घर से लेकर आ। हाँ बेटे, हम वही करेंगे। क्या करेंगे देख, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 75,000 प्लस शॉर्टेज ऑफ अर्निंग 25,000 रुपए की गारंटी दी थी, 16,000 रुपए कमाए, तो हमने बी से कहा कि 9,000 रुपए अपने घर से लेकर आओ। अब हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 84,000। अब हमारे पास प्रॉफिट आया 84,000। हमने वो शॉर्टेज उससे पहले मंगाई, अब देखो बेटे हमने सी को गारंटी दी थी 15,000 रुपए की, तो बेटे सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो पहले। ₹84,000 × 1/6 14,000। सर लेकिन सी को तो गारंटी आपने दी है 15,000 रुपए की और इसका प्रॉफिट आ रहा है 14,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए की शॉर्टेज आ रही है। बेटे वो 1,000 रुपए की शॉर्टेज इसको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। प्लस शॉर्टेज 1,000, इसको तो 15,000 रुपए हम देंगे ही दें। ये शॉर्टेज बियर करेंगे ए और बी किस रेशो में, 3:2। ₹1,000 बियर करेंगे ए और बी। देखो ना तीनों की रेशो क्या थी, ए बी सी की 3:2:1। अब ए और बी अगर इस शॉर्टेज को बियर करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, 3:2 में, यही तो सिखाया था। 1,000 × 3/5 × 2/5 600 × 4 600 और 400। ओके जल्दी लिखिए यहां तक।
ये देखो बेटा, अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट 75,000, बाय 20 कैपिटल अकाउंट जो हमने 20 से शॉर्टेज मंगाई थी, शॉर्टेज ऑफ मिनिमम अर्निंग 9,000, ये हो गया 84,000। अगर मैं तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करूं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, 84,000 इंटू 3/6 42,000, 84,000 इंटू 2/6 28,000, 84,000 इंटू 1/6 14,000। यहां पे तो प्लस होगी डेफिशिएंसी 1,000, आउटर कॉलम में आ गया 15,000। ये 1,000 की शॉर्टेज डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहे हैं? ए और बी। ए बियर कर रहा है 600, बी बियर कर रहा है 400। माइनस डेफिशिएंसी 600, 41,400 माइनस डेफिशिएंसी 400, 27,600। बच्चे जल्दबाजी नहीं करेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर ए और सी का तो प्रॉफिट मैच कर रहा है बुक के साथ, बी का नहीं कर रहा। बेटा बी का भी कर रहा है, यहाँ पे लिखा है 27,600, यहाँ पे लिखा है 9,000 जो हमें उससे मंगाना है, तो अल्टीमेटली उसको मिल कितना रहा है? 27,600 9,000 माइनस कर दो, वो जो लेकर आएगा, तो उसको एक्चुअल में मिल कितना रहा है प्रॉफिट? 18,600। तो बुक के साथ प्रॉफिट मैच कर रहा है बेटे, आप ध्यान से देखें। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है वो 27,600 आ रहा है, लेकिन उसमें से 9,000 वो अपने घर से लेके भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसको मिल रहा है 19,600। बी इन ऑल गेट्स ओनली 27,600 माइनस 9,000 18,600। क्वेश्चन नंबर 82, पेज नंबर 2.97। हमारे पास पार्टनर है पी क्यू आर, रेशियो है 12:8:5। It was provided that in no case our share of profit would be less than 30,000 per annum. R को गारंटी दी गई $30,000 per annum। The profit and loss for the year ended 31 March 2019, प्रॉफिट है 1,20,000, 2020 का प्रॉफिट है 1,80,000, 2021 में लॉस है 1,20,000। तो हम बेटे पहले 2019 की बात करेंगे।
फॉर द ईयर 2019। टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1,20,000। आर को गारंटी दी गई, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 5/25, ये आ गया बेटे 24,000। गारंटी दी गई है 30,000, यानी यहां पर डेफिशिएंसी आ गई बेटे हमारे पास 6,000 रुपए की। डेफिशिएंसी है 6,000 रुपए, उसको प्लस करके इसका प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। बेटे 1,20,000 को जब तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करें तो रेशो हमें गिवन है बेटे 12.85 इंटू 12/25, 8/25, 5/25, 1,20,000 इंटू 12/25, 57,600, 1,20,000 इंटू 8/25, 38,400। ये 6,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है ये बॉर्न करेंगे पी और क्यू, उनकी रेशियो है 12:8। तो 6,000 12/20, 8/20, 3,600, 2,400, यहां पे तो प्लस हो गया 6,000, यहां से माइनस होगा अमाउंट 3,600, यहां से माइनस होगा अमाउंट 2,400, इसका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 54,000, इसका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 36,000, इसका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 30,000। तो यहां पर अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों, यहां पर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट 6,000, 3,600, 24। बी पार्ट बच्चों को होमवर्क में दिया जा रहा है, बी पार्ट बच्चे होमवर्क में करेंगे क्योंकि वहां पर डेफिशिएंसी आएगी नहीं। प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का है और वहां डेफिशिएंसी आएगी नहीं बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सी पार्ट की बात करेंगे जहां पे हम लोगों को लॉस, जहां पे क्वेश्चन में लॉस दिया गया,
लॉस दिया गया है 1,20,000। पी क्यू आर बेटे, अगर हम इसमें इस लॉस में आर का शेयर देखें 1,20,000 इंटू 5/25 तो उसका शेयर आता है 24,000। ये लॉस का शेयर, और हमने तो पी एंड क्यू ने तो आर को ये कहा था कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, अगर लॉस हो गया तो बेटे उसमें आर की कोई भागीदारी नहीं है, आर उसके अंदर कुछ लॉस को बियर नहीं करेगा। आर कहता है वो तो आप लोग जानो साहब, मेरे को तो आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में बुलाया था, या मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हूँ, मेरे को तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी और वो भी 30,000 रुपये की दी गई थी आप लोगों को, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। आप चाहे प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरे 30,000 रुपये से मतलब है। हमने कहा अरे भाई ये तो डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान क्या हो गया, एक तो पहले आर का गारंटेड प्रॉफिट का अमाउंट लाओ, गारंटेड प्रॉफिट दैट मस्ट बी गिवन टू आर, थर्टी 30,000, और आर का जो शेयर ऑफ लॉस है वो भी हमें लाना पड़ेगा 24,000। यानी हमें अपने घर से लाना है 54,000। सर हम किस रेशो में लेकर आएंगे, बेटे देखो ना 12:8:5 थी, इससे तो कोई मतलब नहीं। 12:8 32,400 और 21,600। ओके सर, एंट्री क्या बनेगी बेटे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट 54,000, 32,400, 21,600।